बैक टू योर ओन रियल होम मेकिंग चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। और आप लोग मुझसे बोल रहे थे कि मैं अपने सास ससुर से आपको मिलवाऊं, अपने ससुराल के व्लॉग्स आप लोगों के लिए लेकर आऊं। तो हेयर आई एम, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है ससुराल का। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कौन है मेरे साथ। ऑफकोर्स मम्मी है और गोविंद है, गोविंद को दिखा देती हूँ। अब मैं दिखाती हूँ अपनी ब्यूटीफुल सी मदर इन लॉ। मम्मी हेलो एवरीवन, हम कहाँ जा रहे हैं मम्मी बताओ? हम लोग चंद्रिका देवी मंदिर जा रहे हैं और वहीं पर ही एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसको भी देखेंगे। आप मम्मी आप अपना इंट्रोडक्शन दो, आप क्या हो? वैसे सबको पता है कि आप गायनी हो, लेकिन आप बताइए पूरा डिटेल में। अच्छा, आई एम डायरेक्टर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य भवन लखनऊ। मैं पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है 3620 उन सबका एस्टेब्लिशमेंट का कार्य देखती हूँ। और आपने आप बताओ कि आपने कैसे अंशुल को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, वो सब अपनी थोड़ा सा कुछ बताओ मम्मी। पहले का अंशुल जब छोटा, पहले आप ये बताओ कि आप पापा से कैसे मिली, सबसे चटपटी कहानी तो वही है। एक बार बता दो मम्मी प्लीज। अरे ये तो बता दो कि पापा और आप बैचमेट थे। पापा और हम बैच, मतलब मैं हस्बैंड और हम लोग बैचमेट थे, लेकिन हम लोगों ने MBBS के दौरान 4.5 ईयर्स कभी किसी से बात ही नहीं की थी। बस वो अपने बैच के टॉपर थे तो हमारे मेरे अंदर थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था। अच्छा, फिर ये सॉफ्ट कॉर्नर एकदम शादी में कैसे कन्वर्ट हुआ ये बताओ। उसके बाद में फिर हम लोग जब इंटर्नशिप के दौरान मेरी मम्मी ने हमसे जब जा रहे थे, मम्मी ने कहा भाई अगर तुम्हारे कोई तुम्हारा क्लास थोड़ा सा तेज बोलो मम्मी, कोई तुम्हारा क्लास फेलो हो या फिर कोई सीनियर हो अपनी कास्ट का हो तो बताना। और बाई चांस फिर हम लोग की पोस्टिंग एक साथ हुई और बस दो ही दिन में बात हुई तो मैंने अपने पापा को इन्फॉर्म किया, वो आए और उन्होंने देखा, उन्हें बहुत पसंद आया। और मम्मी आपका वो क्लास नहीं, आपका जूनियर वो गुन्नू भानु, भानु मम्मी भानु के बारे में बताओ, उन्होंने क्या बोला था? वो तो आपने आज तक हमें भी नहीं बताया। मेरा जूनियर डॉक्टर भानु श्रीवास्तव, वो इनको, वो हमको भी बहुत मानता था और चांस की बात है वो इनको भी बहुत मानता था, तो उसने ही हमसे कहा इनके लिए। हालांकि भाई 4.5 ईयर्स मैंने इन्हें बहुत वॉच किया था और टॉपर थे तो इनका कोई तो जवाब नहीं था। फर्स्ट और सेकंड टॉपर के बीच में एटलीस्ट 10% का डिफरेंस होता था। और मम्मी अभी कुछ ऐसा कुछ साल पहले न्यूज़पेपर में भी आया था ना कि कितने साल हो गए पापा का कोई रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर पाया। हाँ, हाँ, वो बताओ। हम लोग न्यूज़पेपर में आई थी वो कटिंग की। हम लोग 75 बैच के मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के MBBS और MD वहीं से किया, तो अभी 5-6 साल पहले कॉन्वोकेशन हुआ था मेडिकल कॉलेज में, तो उसमें ये चीज़ अनाउंस की गई कि जो मेरे हस्बैंड का अभी तक अनब्रेकेबल रिकॉर्ड है, इनके जितने मार्क्स किसी को नहीं मिले, जबकि कितने प्रोफेसर्स के बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे। और उसकी न्यूज़पेपर कटिंग भी है शायद अंशुल ने अपने फेसबुक पे शेयर की थी, अगर वो मुझे दिखी ना तो मैं डेफिनेटली इस व्लॉग में या इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ भी। जब हमारी शादी हुई थी, मतलब शादी होने वाली थी, कोर्टशिप में अंशुल ने मुझे ये बात बताई थी एंड आई फेल्ट सो प्राउड कि मतलब अब आप गेस कर सकते हो कि अंशुल कैसे बैकग्राउंड से आते हैं और वो इतने इंटेलिजेंट क्यों हैं, क्योंकि जीन्स तो मम्मी पापा के ही हैं उनमें। और मम्मी आप बताओ कि आप कैसे मार मार के पढ़ाती थी, कैसे होमवर्क देती थी, क्योंकि मुझे तो सारी स्टोरी पता है। अंशुल तो वैसे ही शुरू से बहुत इंटेलिजेंट रहा है, तो वो स्कूल से आता था तो उसको हमें बैग देखती थी, उसे सब कुछ वहीं से याद होता था, मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। और जब क्लास सेकेंड में था तो हम लोग सीतापुर में ट्रांसफ़र हुआ था, थोड़ा लेट हम लोग पहुँचे थे अगस्त में, तो फिर इसकी ये कॉपीज देखते उसमें कुछ लिखा ही नहीं था। तब इसकी एक क्लास फेलो थी, उसके घर गए, तब पता चला कि ये जो है क्लास में और लोगों की कॉपी ले लेता है, उनके में लिख देता और अपना याद कर लेता, कॉपी में कुछ नहीं लिखता है। और मुझे अंशुल बताते हैं कि मम्मी बहुत होमवर्क कराती थी, बहुत डांट डांट के उनको पढ़ाती थी, और अंशुल के एक दो नंबर जो कम होते भी थे ना, वैसे वो हमेशा अपनी क्लास के टॉपर रहे हैं, हर टीचर के हर प्रोफेसर के अपने बहुत चहेते रहे हैं, बट उनके कभी कभार एक आध जो नंबर कम आते थे ना, वो इसीलिए आते थे कि उनका ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता था कभी कभार कि हाँ मुझे सब आता है, मुझे सब आता है, मैंने सब ठीक कर लिया है, तो इस वजह से उनके नंबर कटते थे। अदरवाइज़ शायद मैंने आप लोगों को कभी नहीं बताया, अंशुल 3 गोल्ड 3 टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट है और मम्मी पापा 8 टाइम्स। हाँ,
हाँ, पापा 8 times गोल्ड मेडलिस्ट हैं और अंशुल 3 times. तो जब हम लोग मेरी शादी के टाइम पे, नॉट शादी, जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे, तो अंशुल ने मुझे ये स्टोरी सुनाई थी कि पापा के पास 8 gold medals हैं और मेरे पास 3. तो जब तक मेरे पास 8 नहीं हो जाते, तब तक मैं पापा को प्राउडली नहीं कह सकता कि यस, कि मैंने भी कुछ अचीव किया है. तो मैं अपने मन में यही सोच रही थी कि ओ माई गॉड, अंशुल के पास 3 तो है, मेरे पास तो 1 भी नहीं है. बट यस, ऑफकोर्स आप देख ही सकते हो कि कहाँ से उनके जीन्स आते हैं, मम्मी पापा. मैं अपने फादर इन लॉ से भी आप लोगों को मिलाऊंगी, बट वो थोड़ा सा कैमरा शाय है, तो मुझे नहीं पता कि मैं उनसे कुछ बुलवा पाऊंगी या नहीं. बट हमारी मम्मी है ना, मम्मी बोलने के लिए तैयार है ना मम्मी. तो अभी हम लोग जा रहे हैं चंद्रिका देवी मंदिर, और मम्मी ने पहनी है ब्यूटिफुल सी साड़ी. मम्मी एक बार अपनी साड़ी दिखाओ. मेरी मम्मी को तैयार होने का बड़ा शौक है. तो ये देखो, मम्मी ने पहनी है ब्यूटीफुल सी साड़ी. ये साड़ी मुझे अंशुल ने गिफ्ट करी थी जब उसकी इंडियन ऑयल में फर्स्ट नौकरी लगी थी. अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था. हाँ हाँ हाँ, तो इसको मैंने बहुत संभाल के रखा है और बहुत स्पेशल ओकेजन पे पहनते, क्योंकि मैं प्रिया के साथ आज जा रही हूँ, इसलिए मैंने इसको पहनी है. तो मम्मी को ये तो मुझे भी नहीं पता था, चलो ये गिफ्ट वाली साड़ी है मम्मी की. मम्मी को अंशुल ने गिफ्ट की थी, और मैंने पहना है ये सिंपल सा सूट है मेरा, तो थोड़ा सा सिल्क वाला कपड़ा है शायद. ये दुपट्टा बहुत सुंदर है, इसमें सरोस्की का काम है, और इसकी बेल स्लीव्स हैं. और ये हमारा गोविंद बैठा है. गोविंद एक्साइटेड है माँ जी के साथ जाने के लिए. तो देखिए, रास्ता बहुत ही ब्यूटीफुल है, ग्रीनरी है, छोटी जगहों पे ग्रीनरी अभी भी आपको इंडिया में मिल जाएगी. और बस हम लोग चंद्रिका देवी मंदिर पहुंच गए हैं. मम्मी अभी प्रसाद ले रही हैं, और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे आगे दर्शन करने. ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का, काफ़ी लोग इसे जानते हैं, मैं तो पहली बार ही आई हूँ. और देखिएगा, यहाँ पे लोग चुन्नी बांध के जाते हैं अपनी मन्नत पूरी होने के लिए. तो मैंने सोचा ये क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. यहाँ पे नवरात्रों में बहुत भीड़ रहती है, जैसा कि मम्मी बता रही थी. और यहाँ पे कुंड भी है, तो अभी हम लोग कुंड का दर्शन करने जा रहे हैं. और इसके पीछे गोमती नदी भी लगती है, ये भी मुझे अभी पता चला था. हम लोग वापस आए मंदिर से, और थोड़ा सा सोकर अभी मैं उठी हूँ. आप देख ही सकते हो मेरा गला बहुत खराब है, बहुत कोल्ड हुआ हुआ है. और गोविंद भी बस अभी सोकर उठा है. मम्मी भी यहाँ पर बैठी हैं, और मम्मी ने बनाई है गर्मा गर्म कॉफ़ी. ये कॉफ़ी और पोहा, पोहा ही हमने ब्रेकफास्ट में बनाया था, तो अभी वही हम लोग खा रहे हैं. और मम्मी अभी डिनर में क्या बना रही है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ. आज हमारे घर में डिनर में बन रही है तरई, आलू, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर. और मम्मी इसमें तुरई और भिंडी वगैरह भी डाल देती है, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि मम्मी को लगता है कि बच्चे अगर हरी सब्जियां नहीं खाएंगे तो कैसे काम बनेगा. तो हरी सब्जियां भी मम्मी डाल देती है. और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मम्मी तरई कैसे बनाती है. तहरी बनाने के लिए कड़वा तेल यूज़ करती है मम्मी, उसमें सिंपल हींग जीरा डाला है. और एक एक करके फिर मम्मी सब्जियों को अच्छे से रोस्ट करेगी. तो पहले अभी प्याज रोस्ट हो रही है, फिर आलू, शिमला मिर्च, और इसी तरीके से थोड़ा सा इसमें मम्मी ने डाली है तुरई, तो वो भी रोस्ट करके फिर टमाटर ऐड किया है. और देखिए, सारी सब्जी रोस्ट होने के बाद इसमें मसाले डाले हैं, तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर, मिर्ची, नमक, और बिल्कुल बेसिक मसाले ही डालती है मम्मी, लेकिन बहुत टेस्टी बनती है. और थोड़ा सा घर का बना हुआ गरम मसाला है ये, तो गरम मसाला ऐड किया है. और उसके बाद थोड़ा सा मसाले को पकाने के बाद चावल ऐड कर देंगे. चावल भी मम्मी ने आधे घंटे पहले भिगा कर रखा था, तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है. और ये देखिए, छोटा वाला राइस यूज़ करती है तहरी बनाने के लिए मम्मी, और बहुत यमी बन के आता है इससे. तो बस चावल ऐड करने के बाद पानी डाल दिया है, और अब 2 सीटी लगा के ये तहरी बन जाती है. मेरी फेवरेट है, और मम्मी के हाथ की बनी तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है. तो देखिए, हमारी ये तहरी डिनर के लिए एकदम तैयार है. ये क्लिप नेक्स्ट डे इवनिंग की है, मम्मी और मैं बैठ के अगेन डिनर की तैयारी कर रहे हैं. तो आज तुरई की सब्ज़ी बन रही है. हमारे यहाँ पे तुरई लौकी ज़्यादा खाया जाता है, तो तुरई की सब्ज़ी बन रही है. तो मम्मी और मैं बैठ के बातें भी कर रहे हैं, और साथ में बैठ के अपनी सब्ज़ियाँ वगैरह भी क्लीन कर रहे हैं. और साथ ही में गोविंद भी बैठा है, तो वो अपनी माँ जी के साथ खेलता भी रहता है. उसको माँ जी से बहुत लगाव हो गया है, मुझसे ज़्यादा वो माँ जी से प्यार करने लगा है अब. आप
आज नेक्स्ट डे है, मैं कल ज़्यादा व्लॉग इसलिए नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरा थ्रोट बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो मैंने दवाई ली थी और जिसकी वजह से मुझे ना बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। बहुत सेडेटिव होती हैं ये कोल्ड कफ वाली मेडिसिन, तो मैं पूरा दिन आज सोई हूँ। तो अभी इवनिंग टाइम है और ट्यूसडे है आज, तो सोचा मंदिर जाते हैं। तो मम्मी पापा मैं और गोविंद जा रहे हैं मंदिर, हनुमान मंदिर हमारे घर के पास ही है, गुलाची मंदिर। बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत मान्यता है यहाँ के मंदिर की, तो सोचा कि मंदिर जाते हैं। तो गोविंद जाएगा अपने दद्दू के स्कूटर पे, स्कूटी है, पापा स्कूटी ड्राइव करते हैं, तो गोविंद और पापा चले जाएंगे स्कूटी पे और मम्मी और मैं जाएंगे पैदल। कार है बट कार पापा को निकालने में अब थोड़ा सा टफ रहता है, तो इसीलिए कार हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते। वो लोग जहाँ पे भी जाना होता है तो टैक्सी ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि अब एज हो गई है, तो पापा ज़्यादा ड्राइव नहीं करना पसंद करते, बट स्कूटी चला लेते हैं। तो आज ये दद्दू के साथ स्कूटी राइड पे जाने वाला है और मैं और मम्मी जाएंगे। मम्मी अभी आ रही है रेडी होके, फिर मैं आपको मम्मी से मिलवाती हूँ। तो ये देखिए, ये है गुलाची मंदिर, हमारे घर के पास है। अगेन ये भी काफ़ी प्राचीन सिद्ध मंदिर है, और आप कहेंगे कि मैं हर व्लॉग में आपको भगवान के मंदिर के दर्शन करा रही हूँ। कि हमारे यहाँ पे मंदिरों को बहुत ज़्यादा माना जाता है, भगवान को माना जाता है, इसीलिए मंदिर की ट्रिप्स तो होती रहती हैं। और मंगलवार है तो थोड़ी सी भीड़ भी है मंदिर में, प्रसाद चढ़ाते हैं हम लोग भी। यहाँ पे बेसन के लड्डू का प्रसाद चढ़ता है, बहुत ही टेस्टी होता है। और ये मंदिर मुझे याद है, मैं अंशुल के साथ भी आई थी सबसे पहले शादी के बाद, तो मुझे बहुत ही पसंद आया था। पैदल पैदल हम लोग आए थे और जाते वक्त एक लस्सी की दुकान पड़ती है, तो हम दोनों ने ही लस्सी पी थी। और गोविंद जिद करने लगा कि बलून दिलाओ बाबा जी, बलून दिलाओ, तो अभी उसके बाबा उसे बलून दिला रहे हैं। और इसी क्लिप के थ्रू मैं पापा से भी आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ। तो बस मंदिर में दर्शन करने के बाद बलून लिया, और अभी हम लोग आए हैं गणेश चाट वाले के यहाँ, गणपति चाट वाले के यहाँ, तो अभी हम लोग चाट खाएंगे। और ये क्लिप मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि जो मेरे सब्सक्राइबर्स यूएस में रहते हैं वो भी देख लें कि यहाँ पे किस तरीके से चाट मिलती है। आई एम श्योर आप लोग सब चाट बहुत मिस करते हैं, इसीलिए मैंने सोचा चलो क्लिप के थ्रू तो आप लोगों के साथ शेयर कर ही सकती हूँ। और हमने बहुत ही यमी गोलगप्पे खाए थे, पापा मम्मी मैं, मम्मी और मुझे गोलगप्पे बहुत ज्यादा पसंद है। और बस चाट वगैरह खाने के बाद यहीं पे ही पास ही में ही एक लोकल मार्केट थी जहाँ पे मम्मी को अपनी फोटो खिंचवानी थी मम्मी पापा को, तो अभी हम लोग स्टूडियो आए हैं और उसके बाद घर निकलेंगे। तो बस डिनर वगैरह करके मैं अपने बेडरूम में आ गई हूँ, अभी 8:45 हुआ है। यहाँ पे लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं मम्मी पापा, आज तो थोड़ा सा लेट हो गया, अदरवाइज़ यहाँ पे सब 7:45 तक ही सो जाते हैं। तो मैं भी अपने बेडरूम में आ गई हूँ और अब मैं थोड़ा सा आराम करूँगी क्योंकि मेरे को थोड़ा सा अभी कोल्ड कफ है, दवाई वगैरह लूँगी। और इसी के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करती हूँ। होप करती हूँ ये मेरा पहला ससुराल ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, आपको मम्मी पापा से मिलकर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक दीजिएगा और कोशिश करिएगा कि एटलीस्ट 200 लाइक्स तो मिले इस वीडियो को। और कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा इस ब्लॉग में। और एनीवेज आप कुछ भी कॉमेंट करिए, कुछ भी बताइए कैसा लगता है आपको मेरी वीडियोस देखना। और फिर से मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप ढेर सारा अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, टेक केयर, बाय। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप नए हैं और आप मुझे पहली बार देख रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी कनेक्ट करते हैं तो सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच।